Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. स्टार्टलेस के पॉपुलर शो शौर्य और अनोखी की कहानी में जैसे कि अब तक आप सभी ने देखा कि अनोखी अभी भी हॉस्पिटल में है, जहाँ अनोखी को पता चलता है कि आसना मिल गई है। वहीं ये बात वो शौर्य को बताती है। शौर्य खुलकर खुशी नहीं जताते हैं। वहीं अनोखी शौर्य से कहती है कि उसे आस्था मैम से सॉरी बोलना चाहिए, लेकिन शौर्य मना कर देते हैं, जिसके बाद अनोखी गुस्सा हो जाती है और वो काफ़ी बुरा बोल देती है शौर्य को। वही आस्था सभी के सामने अनोखी को चिल्लाती है। वो कहती है कि उससे शौर्य से ऐसा बात नहीं करना चाहिए, जहाँ अनोखी को भी अच्छा नहीं लगता है कि आस्था उसे चिल्लाती है, इसलिए अनोखी शौर्य से माफ़ी मांगती है। शौर्य बाद में आस्था को देखकर काफ़ी खुश होते हैं, जहाँ अपनी गलती की माफ़ी भी वो आस्था से मांगते हैं और वो कहते हैं कि उसे उस दिन आस्था से ऐसा बात नहीं करना चाहिए था और ये गलत है। शौर्य को माफ़ी मांगते देख आस्था के आंखों में आंसू आ जाता है, जहां अनोखी भी काफ़ी खुश हो जाती है कि शौर्य अपनी गलती मान लेते हैं। अब देखना यह है कि क्या शौर्य और अनोखी की कहानी अब शुरू हो जाएगी।